श्रद्धा हत्याकांड केस में आरोपी आफताब पूनावाला को दिल्ली पुलिस ने मंगलवार सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साकेत कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां उसने जज के सामने गुस्से में श्रद्धा को मार डालने की बात कबूली है। पेशी के दौरान जज के सामने आफताब ने कहा कि जो हुआ वो हीट ऑफ द मोमेंट था। आफताब ने बोला कि हाँ, मैंने गुस्से में आकर श्रद्धा की हत्या कर दी। हालांकि आफताब के इस तरह के कबूलनामे को आरोपी का इकबालिया बयान नहीं माना जाता। उसके लिए कोर्ट में पुलिस जज के सामने आरोपी के 164 के बयान दर्ज करवाती है। कोर्ट से आरोपी आफताब की 4 दिन की रिमांड और मिलने के बाद दिल्ली पुलिस बुधवार को उसे गुरुग्राम लेकर जाएगी, जहां पुलिस आरी के 3 ब्लेडों को बरामद करने की कोशिश करेगी। आफताब ने पुलिस की पूछताछ में ये खुलासा किया है कि श्रद्धा की हत्या के बाद उसके शव को काटने के लिए 3 ब्लेडों का इस्तेमाल किया गया था, जो कि आरी के थे। इसे उसने गुरुग्राम के DLF के जंगलों में ठिकाने लगाया था। वहीं दूसरी ओर आरी के 3 ब्लेड्स के अलावा आफताब के पास एक चापड़ भी था, जो उसने छतरपुर में कहीं ठिकाने लगाया है। आफताब ने ये भी बताया कि आरी के ब्लेड को ठिकाने लगाने के लिए उसने शेयरिंग टैक्सी का उपयोग किया था, ताकि उसकी पहचान किसी भी कीमत पर ना हो। अगर पुलिस टैक्सी चालक तक पहुंचती है तो टैक्सी चालक को कुछ याद ना रहे। वहीं आफताब के वकील ए कुमार ने कहा कि उसके मुवक्किल को प्रोवोक किया गया था। इसी बीच श्रद्धा हत्याकांड जांच में एक और अहम बात सामने आई है। सूत्रों की माने तो पुलिस को जानकारी मिली है कि श्रद्धा के मोबाइल फोन में आफताब का एक वीडियो था, जिसे आफताब डिलीट करना चाहता था। श्रद्धा ने उस वीडियो को शायद किसी दूसरे ऐप पर भी सेव कर दिया था, जिसके बारे में आफताब किसी भी कीमत पर जानना चाहता था। सूत्रों के मुताबिक इसी वीडियो को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा होता था। अब पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि उस वीडियो में ऐसा क्या था जो आफताब किसी भी कीमत पर उसे डिलीट करना चाहता था। आफताब ने अपना एक मोबाइल नंबर श्रद्धा के फेसबुक अकाउंट से भी लिंक कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक आफताब 4 मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रहा था। श्रद्धा की हत्या से कुछ दिन पहले ही आफताब ने अपना मेन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना लगभग बंद कर दिया था। आपको बता दें कि 17 मई को आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए और इन टुकड़ों को मेहरोली के जंगल सहित अन्य जगहों पर फेंक दिया। पूछताछ में आफताब की निशानदेही पर पुलिस ने अलग अलग जगहों से शव के टुकड़े बरामद किए। शव के इन टुकड़ों की जाँच चल रही है।